हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों का पेपर हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, जितने मेरी पूरी वीडियो देखकर गई होगी, जो जो मैंने बताया था अगर उसको वहां पर अप्लाई किया होगा तो उसका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि केवल इतना पढ़ करके जाओ पास हो जाओगे। तो जो विद्यार्थी अगर उस वीडियो को देखकर गया होगा तो गारंटी है कि उसके पासिंग मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा भी कि जो जो मैंने बताया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो यह जो पेपर है 801 HC कोड का है। तो अगर आपके जिले में यह पेपर हुआ था तो इसका आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप मिला लीजिए आपके कितने उत्तर सही हुए। जैसे पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है, तो विधा पूछा है। पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है कविता। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो यह क्या है, तो यह एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ऑप्शन ए दिया है विनय मोहन शर्मा, बी दिया है मन्नू भंडारी, सी दिया है उपेंद्र नाथ अस्क और ऑप्शन नंबर डी है सत्येंद्र द्विवेदी। तो जो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं वह है विनय मोहन शर्मा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, विनय मोहन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था चौथा नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि पानी के प्राचीर के, ऑप्शन नंबर बी आपका बंटी के, ऑप्शन नंबर सी बूंद और समुद्र के और ऑप्शन नंबर डी बाण भट्ट की आत्मकथा के। तो ये तो सबको आया होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पांचवा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बहुत आसान है, अंधेर नगरी इनका नाटक नहीं है, अजात शत्रु है, स्कंद गुप्त है। ठीक है, और ध्रुव स्वामी भी इनकी ही नाटक है, अंधेर नगरी इनकी नाटक नहीं है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिकारी दास या घनानंद। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भिकारी दास। भिकारी दास जो है वह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्माभरण के रचयिता हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्माकर। पद्माकर जो है वह पद्माभरण के रचयिता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे सहवाल, ठंडा लोहा या राम की शक्ति पूजा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, बहुत आसान है, अज्ञेय जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। करुण रस का स्थाई भाव, मैंने वो जो आपको पहला वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी आप 5 से 10 क्वेश्चंस आसानी से सही कर लेंगे। और मैंने आपको उसमें ट्रिक भी बताया था कि कैसे, तो मैंने आपको केवल बताया था कि करुण रस का आपको स्थाई भाव याद कर लेना है और हास्य रस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शोक। शोक जो होता है करुण रस का स्थाई भाव होता है और मैंने बताया था सेम यही क्वेश्चन आएगा। और चरण कमल बंधव हरियाई में प्रयुक्त अलंकार यह भी बताया गया था, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो 2 क्वेश्चन यहां से आपको आसानी से मिल जाएंगे, अगर आपने किया होगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो थोड़ा भी आप पढ़े होंगे अगर इसका परिभाषा तो आपको पता होगा कि 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आगे प्रयुक्त होता है, यानी पहले प्रयुक्त होता है। तो अभ्यागत में अनु तो दिख नहीं रहा है कहीं, न इसमें अव दिख रहा है, न इसमें अपी दिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभी। अभी शब्द क्या है, उपसर्ग है। नील कमल में समास है, बहुत आसान है। ठीक है, नील कमल यानी कि नीला कमल, अब बहुत सारे बच्चे बहुव्रीहि करके आए होंगे लेकिन नीला कमल कोई इसमें तीसरा पद प्रधान नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कर्मधारय हमारा करेक्ट हो जाएगा, नील कमल में कर्मधारय समास है। ठीक है, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, जोगी हो जाएगा। ठीक है, योगी शब्द का जो तद्भव शब्द होगा वो जोगी होगा।
युष्मद् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, केवल आपको दो ही शब्द पढ़ने थे, पहला युष्मद् और दूसरा तद्। तो युष्मद् यहाँ पर आ गया और इसका जो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा वह होगा त्वयी। ठीक है, त्वयी क्या हो जाएगा, युष्मद् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाव वाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, देखिए कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य में होती है, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य में होती है, क्रिया की जो प्रधानता होती है वह भाववाच्य में होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है, अविकारी शब्द है इंद्र, गाय, यथासंभव या आप, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अविकारी शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपके MCQ थे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, जिसे आपको OMR शीट पर फिल करना था गोले को भर करके। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, मेरे हर एक वीडियो को देखा होगा, तो 20 में से आप 10 से 12 क्वेश्चन तो सही कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। जैसे फिर आता है हमारा गद्यांश, गद्यांश में मैंने आपको बताया था कि केवल आपको तीन लोगों का गद्यांश पढ़ करके जाना है, रामचंद्र शुक्ल जी का यानी मित्रता, ममता, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यानी कि भारतीय संस्कृति का। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला ही हमारा फंस गया, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो किसका है, मित्रता नाम का है। ठीक है, तो संदर्भ आसानी से लिख लेंगे। मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है यह भी बताया था कि अगर आपको नहीं आएगा तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, मैं वहां पर बताया था वीडियो में कि बस आपको लिखना है कि लेखक कहते हैं, बाकी जो वहां पर शब्द दिया है उसका रिलेटेड, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई शब्द पता है तो लिख करके बाकी पूरा वैसे ही आपको उतार देना है, अगर नहीं आता है तब, अगर आता होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन हमने उसके लिए वीडियो बनाया था जो साल भर नहीं पढ़ा हो। फिर दिया सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, तो ये आपको इसमें ही मिल जाएगा, अगर ये नहीं आता है आपको तो अथवा में इसको भी कर सकते हैं, दो दिया रहता है, किसी एक को आपको करना होता है। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पद्यांश में, पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो पहला जो पद्यांश है इसको अब लास्ट में पहचान जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्राणनी रिझावय वह आवय रसखानी री, भले ही आपको नहीं पता चल रहा है कैसे होगा कौन सा मतलब ये पद्यांश होगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि रसखान है तो रसखान का ही होगा, तो संदर्भ आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन दिया इसी में से दिया है, अगर आपको इसका अर्थ पता होगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो इसमें भी वही काम करना है, थोड़ा सा देखना है जो भी समझ में आ रहा है उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख दे रहा है, बाकी क्वेश्चन देखिए छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न ना भी आता हो तो कुछ ना कुछ लिख करके ही आना है, आगे आने वाले हर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, हर क्वेश्चन को टच करना है भले ही कुछ भी लिखिए। फिर फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं है, बच्चा गेंद खेलता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, ठीक है, तो ये भी हमारा एक पद्यांश है। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ यहाँ पर देखिए वाराणसी चैप्टर से आपका गद्यांश आ गया, मैंने आपको बोला था केवल दो ही आपको गद्यांश पढ़ के जाना है, पहला वाराणसी का, दूसरा भारतीय संस्कृति का, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, और यहाँ पर पहला आ भी गया है वाराणसी का गद्यांश, तो आसानी से आप इसको लिख देंगे, संदर्भ भी लिख देंगे, 5 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। जो साल भर नहीं पढ़ा था अगर वो हमारी एक वीडियो को देख लिया होता तो वो आसानी से पास हो जाता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया है श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और जो बच्चे देखे होंगे वो तो पास हो जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहला दिया है कि नीर चीर विवेके, मैंने आपको इसमें भी बताया था कि बस आपको अन्युक्ति विलास का पद्यांश पढ़ के जाना है, श्लोक पढ़ के जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं पहला पूछा भी गया है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, तो मेरा पहला ही फंस गया, तो दूसरा का तो कोई संभावना ही नहीं बनता है। फिर आता है अगला पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना, यानी आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है उसी को आपको हल करना है। तो मैंने क्या कहा था कि हर खंडकाव्य में आपको चरित्र चित्रण और कथानक यानी कि सारांश तैयार कर लेना है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का मैंने चरित्र चित्रण अभी उसी दिन वीडियो बनाया था, यानी कल या परसों मैंने इस पर वीडियो बना करके पब्लिश किया था। तो जिनके जिले में मातृभूमि चलता होगा अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में आ गया है। मैंने बोला था कि आपको कल पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो खोलकर देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरे विश्वास के साथ बोला था कि चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण पेपर में छपने ही वाला है, और यहाँ पर आ गया है, केवल एक ही आपको करना था। फिर इसी प्रकार अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण और कथानक कॉमन होता है या देता ही देता है,
ठीक है। फिर जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चारित्रिक विशेषताओं पर यहाँ पर भी देख सकते हैं चरित्र चित्रण दे ही दिया है। ऐसे जितना भी खंडकाव्य में देख सकते हैं हर खंडकाव्य में चरित्र चित्रण देता ही है, भले ही एक आध दो में ना दे बाकी सभी में देता। अगर किसी में चरित्र चित्रण नहीं देगा तो सारांश जरूर देगा। जैसे तुमुल खंडकाव्य है तो देखिए लक्ष्मण का आ गया, नायक है लक्ष्मण। मैंने बोला था तीन प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो लक्ष्मण का डायरेक्ट बोलेगा चरित्र चित्रण, या प्रमुख पात्र बोल देगा, या नायक बोल देगा। तो तीन चार तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ज्योति जवाहर खंडकाव्य का कथानक, यानी यहाँ पर भी आ गया सारांश, नायक का चरित्र चित्रण यहाँ पर भी आ गया। तो ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। फिर मैंने बताया था जीवन परिचय में रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद का याद करना है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ गया है। फिर यहाँ पर मैंने पद्य में भी बताया था कवियों में कि तुलसीदास सूरदास महादेवी वर्मा, और यहाँ पर देख सकते हैं तुलसीदास का आ भी गया है, ठीक है। तो आसानी से पास हो जाते हैं, जिन्होंने देखा होगा वो तो हो जाएंगे, अगर जिन्होंने नहीं देखा है जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे पेपर के लिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए, भले ही आपको लग रहा है कि मेरा नंबर कम आ जाएगा मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर एक पेपर का टेंशन लेंगे तो आगे आने वाला हर पेपर आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो चलिए भले इसमें नंबर अगर आपका कम आता है आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। आप कोशिश कीजिए कि मैं अगले पेपर में ज्यादा नंबर लेकर आऊं जिससे कि मेरा परसेंटेज ज्यादा हो जाए, इसमें कम आया है तो अगले में मैं ज्यादा लेकर आऊंगा जिससे बैलेंस हो जाएगा मेरा परसेंटेज, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पठित पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना, तो आपको कोई भी एक श्लोक लिख देना है जो आपको याद हो और वो आपकी किताब में होना चाहिए। फिर अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, ये देखिए ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई पढ़ना नहीं है, सविनय निवेदन है, आपको ऐसे करके कोई पत्र आपको लिख देना है। फिर निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर देना है, मैंने इसका बताया था कि करके जाइएगा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आ ही जाएगा। वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरण पूज्यते, चंद्रशेखर स्वनाम की मवदत, एक इसको भी मैंने बताया था, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अवदत, ठीक है। तो दो ही करना था, आसानी से कर लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है, और मैंने आपको पांच निबंध बताया था और बोला था उससे बाहर एक भी नहीं आएगा, प्रदूषण, बेरोजगारी, जनसंख्या, आतंकवाद और विज्ञान वरदान या अभिशाप। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बताया हुआ दो आ गया है, और मैंने यह भी बताया था दो से तीन भी दे सकता है जो मैंने पांच आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो पेपर बहुत ईजी था, अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा हमारी हर एक वीडियो को देखकर गए होंगे उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, अब ठीक है। बाकी अब 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, तो अब लग जाइए, अभी से लग जाइए, जो आपका चार दिन बचा हुआ है इसमें मैथ की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। साथ में हमें हर विषय का साथ में ही तैयारी करना है, क्योंकि आगे एक भी दिन का गैप नहीं है। मैथ का पेपर है, फिर अगले दिन संस्कृत का है, फिर अगले दिन किसका है, विज्ञान का है। तो तीनों सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग इन्हीं चार दिनों में करने वाले हैं, और चार दिन तक केवल आपको हमारे साथ बने रहना है, हर एक वीडियो को देखना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं हिंदी में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।